Hi guys, follow us on फॉलो to ऑन इंस्टाग्राम टू नेवर मिस एनी updates. लेटेस्ट to वेलकम टू स्पोर्ट्स Let's इंडिया लेट्स our today's वीडियो भारतीय कुश्ती के पांच स्तंभों में से एक द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत गुरु हनुमान की सच्ची और पूरी जीवन की सारी घटनाएं आपके सामने रख रहा हूँ ये जो उनकी जीवनी उनके विषय में गुरुजी से बातचीत उनसे मुलाकात उनके शिष्य व अखाड़े में उनका सहयोग करने वाले गुरु खलीफा कोचों पूरो पहलवानों उन सब से जानकारी और विचार विमर्श के बाद ये अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों गुरु हनुमान जी भारतीय खेल जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती थे उनकी ख्याति भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुकी थी भारतीय कुश्ती जगत ही नहीं पूरे समाज में उनका एक विशेष रुतबा रहा गुरु हनुमान जी आज भी भारतीय पहलवानों के लिए एक आदर्श हैं। उनका जन्म राजस्थान के जिला झुंझुनू के चिड़ावा गांव में लालाराम और राजवंती के घर पंद्रह मार्च 1901 को हुआ किस्मत उनसे रूठी हुई थी बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत तो हो गया और साथियों गुरु हनुमान के बचपन का नाम विजयपाल था और माता पिता की मृत्यु के बाद विजयपाल का जीवन घोर कष्टों में बीता किसी ने गले भी लगाया किसी ने दुतकारा भी लेकिन कहते हैं ना हरेक अगर किसी इंसान के जीवन में कोई बदलाव आना है तो कई बार उनके लिए कोई विशेष व्यक्ति फरिश्ता बनकर आता है तो इसी कड़ी में गुरु हनुमान के किस्मत यानि कि जो बालक विजयपाल था उसकी किस्मत ने करवट ली उसी गांव के यानी कि चिड़ावा के एक निवासी पन्नालाल कौशिक जो कि पढ़े लिखे सज्जन विद्वान व्यक्ति थे उनसे बालक विजयपाल की ये दशा देखी न गई और वो एक समय रोजगार की तलाश में नौकरी की तलाश में दिल्ली आ रहे थे तो उन्होंने उस बालक को भी कहा कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो वहाँ मैं तुम्हारा कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा और उस बालक के लिए इससे बढ़िया क्या था कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए दो आँखें तो बालक विजयपाल पन्नालाल कौशिक जी के साथ चले आए पन्नालाल कौशिक जी को कपड़े की मिल में नौकरी मिल गई और इसके साथ ही उन्होंने एक कमरा लेकर वहाँ रहना शुरू किया और साथियों उस दौर में बच्चे छः सात वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं जाते थे कोई दस कोई ग्यारह कोई बारह काफ़ी बड़े हो जाते थे तब वो स्कूल का रुख करते थे तो पन्नालाल कौशिक ने दरिया दिखाते हुए विजयपाल की ज़िंदगी बनाने के लिए उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया लेकिन यहाँ विजयपाल की दाल नहीं गली क्योंकि स्कूल के बच्चे उनको बाहरी ये समझ कर के ये बाहर का है राजस्थान का है दूर से आया है इसकी बोली अलग है विजयपाल को परेशान करने लगे विजयपाल ने टीचर्स को भी ये बात बताई और पन्नालाल कौशिक जी को भी बताई लेकिन कोई हल नहीं हुआ तो इससे डर कर बालक विजयपाल रोज़ बैग लेकर बस्ता लेकर अपने कमरे से आ जाता लेकिन रास्ते में एक सड़क के साथ एक बाग एक बगीचा था वहाँ पर रोज बैठ जाता तो उस बाग में एक कुश्ती अखाड़ा था और पहलवान रिसाल सिंह और उनके कुछ साथी वहाँ पहलवानी करते थे तो एक दिन पहलवान रिसाल सिंह कि नंगा उस बालक विजयपाल पर पड़ी वो उस बालक के पास गए और उनसे बड़े प्यार से पूछा कि बेटा क्या बात है तो बालक विजयपाल ने सारी घटना बता दी कि ये ये बात है अब पहलवान रिसाल सिंह बहुत ही एक नेक दिल इंसान और एक अच्छे पहलवान थे उनको विजयपाल पर दया आई और उन्होंने कहा कि बेटा तू कुश्ती सीख कमजोर का कोई नहीं है कमजोर को सभी दूतकारते हैं कोई जीने नहीं देगा तेरे को तू ताकतवर बन मैं तेरे को यहाँ कुश्ती सिखाऊंगा और तेरे को खाने पीने की कोई दिक्कत आएगी तो वो मैं यहाँ पे हूँ उसको भी मैं दूर करूंगा तो धीरे धीरे उस बालक विजय पाल ने वहाँ कुश्ती सीखनी शुरू की और पहलवान रिसाल सिंह को अपना गुरु बना लिया और रोजाना कुश्ती सीखने के बाद कुछ समय बाद बालक विजयपाल ने स्कूल में जाना शुरू कर दिया और स्कूल में जो बच्चे उनको परेशान करते थे उन सभी बच्चों की अकल ठिकाने आ गई उनको पता लग गया कि अब ये वो पहले वाला विजयपाल नहीं है अब जीवन उनका चलता रहा लेकिन बचपन में जिसके माँ बाप का साया जिनके सर से उठ गया था तो बालक विजयपाल को उनके माँ बाप की बहुत याद आती थी वो बार बार जिक्र करते तो एक दिन पन्नालाल को कौशिक ने कहा कि हरिद्वार में भगवान के दर्शन होते हैं वहाँ कभी पहुँच जाना और जब भगवान के दर्शन होंगे तो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के भी दर्शन हो जाएंगे उन्होंने बच्चा समझ कर उनको दिलासा देने के लिए ये बात कही लेकिन कुछ समय बाद बालक विजयपाल सच में हरिद्वार चला गया वहाँ जाने के बाद भी उनको कई तरह के लोग मिले पाखंडी उनको मूर्ख बेवकूफ बनाने वाले उनको बुद्धू बनाने वाले बहुत आदमी मिले वहाँ विजयपाल ने वहाँ भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन एक आर्य समाज से जुड़े हुए एक विद्वान एक सज्जन ने उनको समझाया कि बेटा ऐसे कभी भगवान नहीं मिलता ऐसे माँ बाप दिखाई नहीं देते तुम अच्छे शरीफ हो तुम्हारा एक आगे बहुत बड़ा जीवन है तुम्हारे साथ ये सही है कि बहुत गलत हुआ है लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी बनाओ ऐसे पाखंड में उलझकर मत रहो और वहीं पर आर्य समाजी विद्वान व्यक्ति ने विजयपाल को नाम दिया हनुमान उसके कुछ समय बाद गंगा किनारे कुछ अखाड़ों में भी जो विजयपाल जो अब हनुमान नाम से जाना जाता था वो वहाँ उसने वहाँ पहलवानी की आसपास के पहलवानों से उनकी पहचान बन गई और 1924 में बालक विजयपाल जो अब हनुमान के नाम से जाना गया दिल्ली लौट आया गलेरी मिल जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली थी गुरु हनुमान जो बाद में गुरु हनुमान के नाम से जाने गए उस युवक हनुमान ने उस मिल के सामने एक ढाबा खोल लिया फल की सब्जी की इस तरह की एक दुकान लगा ली कि यहाँ रोजी रोटी चलेगी बिरला मिल के पीछे रोशनारा बाग में मिट्टी का अखाड़ा था जिसे मुझे कई साथियों ने बताया कि उस समय इस अखाड़े को बिहार मूल के बसेसर पहलवान चलाते थे इसके बाद हनुमान ने इस व्यायामशाला की कमान संभाली और धीरे धीरे वहाँ पहलवानों की संख्या बढ़ा ली क्योंकि हनुमान जो बालक हनुमान जो अब युवा हो चुका था वो उसने बहुत कुछ देखा था अपने गुरु रिसाल सिंह जी और पन्नालाल कौशिक जी से और हरिद्वार जाने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा था और नेक हृदय एक अच्छा ए, उसके अंदर एक अच्छाई थी वो कूट कूट भरी हुई थी इन सारी चीज़ों से उनके रुतबे को देखकर युवा पहलवान उनके अखाड़े का रुख करने लगे इधर बिरला मिल के मालिक घनश्याम दास से भी युवक हनुमान की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद जैसे तैसे जो मिल के पीछे की जो जमीन थी वो स्थाई रूप से परमानेंटली अखाड़े के लिए दे दी गई और इसके साथ साथ बिरला घनश्याम दास बिरला जी ने आदेश दिया कि इस अखाड़े में आर्थिक मदद भी जो कोई ज़रूरत हो वो आर्थिक मदद इस अखाड़े की मिल की तरफ से होनी चाहिए और यहीं से जो बालक विजयपाल जो अभावों में था गरीबी के थपेड़े खा रहा था जिसको रोजी रोटी के लिए दो वक्त की रोटी नहीं थी वो रोजी रोटी के लिए दिल्ली आया था अब वो अखाड़े में युवाओं को कुश्ती कला की शिक्षा देने लगा बाकी मैं इनके विषय में अगले अंकों में आपको बताऊंगा बड़ी रोचक बातें आप देखते रहना सुनते रहना